Hello everyone, welcome to Abhyas e Campus. Today we are going to discuss the empirical formula. Let's take one example of empirical formula. Example of empirical formula is which is C6H6. This is a molecular formula of benzene. Molecular formula of benzene. Here the number of atoms are 6 and 6. राइट right? तो इसको हम क्या करेंगे सिक्स कॉमन ले लेते हैं सिक्स से डिवाइड कर लेते हैं देन इट विल बिकम सी एच इट विल बिकम द एम्पेरिकल फार्मूला अनदर एग्जाम्पल विल बी वी कैन टेक सी टू एच फोर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इ एंड सिंपलेस्ट इट कैन बी डिवाइडेड इन टू ऑन द टेबल ऑफ द टू सो इट विल बिकम सी एच टू दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला अनादर वन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स फार्मूला ऑफ शुगर एंड इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सिक्स के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं एंड वी विल गेट सी एच टू इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला वाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डेफिनेशन हम देखते हैं और इनसे रिलेट करते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच ऐटम्स आर प्रेजेंट इन होल सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वन मॉलिक्यूल सिंपल होल नंबर रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में है. बच्चे व्हेन इट इज इन द सिंपलेस्ट रेशियो जब वो एक मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे फाइन वन टू थ्री लाइक दिस ठीक है तो वो क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला होता है बट वट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मतलब वेंजीन के ऊपर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे कार्बन के भी छह एटम्स थे और हाइड्रोजन के भी सिक्स एटम्स आर देयर बट सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास सी एच है फाइन इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अब इससे हम रिलेशन निकालते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है एग्जाम्पल को देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं बेटा द मॉलिकुलर फार्मूलाइज सी टू एच फोर एंड एम्पेरिकल फार्मूलाइज सी एच टू मॉलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल कब होगा जब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सी सिक्स एच सिक्स का ये मॉलिकुलर फार्मूला एंड सी एच इज अम्पेरिकल फार्मूला ुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल कब आएगा जब उसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल तब आएगा जब उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा ठीक है तो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला इट क्लियर सो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालना आना चाहिए इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं चलिए बच्चे एंपेरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो अबंडेंस गिवन होगी दैट विल बी गिवन यू इन द फॉर्मूला परसेंटेज परसेंटेज में आपको फॉर्मूला में कॉम्पोजिशन गिवन होगी और जो कॉम्पोजिशन गिवन होगी जितने भी एलिमेंट होंगे एक फॉर्मूला में उनका जो परसेंटेज होगा वो टोटल हंड्रेड होना चाहिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द Following percentage sodium, sodium, sulfur, and oxygen. This is a element, these are the elements, and given percentage are given percentage sodium 29.11, sulfur 40.51, and oxygen 30.38. बच्चे ये आपको परसेंटेज गिवन होगी परसेंटेज से हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है एंड देन एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि इसका जो परसेंटेज है वो हंड्रेड है या नहीं है अगर हंड्रेड है देन इट्स ओके ठीक है अगर हंड्रेड नहीं है इट मींस फार्मूला में कुछ मिसिंग है सो so पहले हमें उसको हंड्रेड करना होगा यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी हंड्रेड है तो इससे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं एटॉमिक मास बच्चे क्या होगा इसका सोडियम का 23, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 60 एंड टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इट इज गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वे डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास गिवन मास डिवाइडेड बाय अटोमिक मास वी विल गेट इटव वन पॉइंट टू सिक्स इट विल बिकम सेवन बट फॉर्मूला में कभी भी फ्रैक्शन का यूज नहीं होता फॉर्मूला में हमें फ्रेक्शन जो है वो होल नंबर में रिक्वायर्ड होते हैं तो हमें इन फ्रेक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है छोटी टर्म हमें यहां पर बहुत स्मॉलेस्ट टर्म यही दिखाई दे रही है तो जो भी स्मॉलेस्ट टर्म होगी ठीक है जो भी स्मॉलेस्ट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए सबको डिवाइड करना है डिवाइड किया एंड वी विल गेट हेयर वन हेयर वन एंड हेयर वी विल गेट द वन पॉइंट फाइव अभी फिर पॉइंट्स में आ गए अब पॉइंट्स के लिए कैसे कन्वर्ट करें डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं टू से वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे टू से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वन से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वन ही आएगा राइट right. तो टू वन सा टू टू वन सा टू एंड इट विल बिकम थ्री सो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो formulas are always lies in simplest whole number ratio so we have to convert this fraction into the simplest whole number fine so formula will become na2 s2 o3 this is the empirical formula this is the empirical formula and for one thing you should remember you have to form this table this is a tabular form fine दिस इज अ टेबुलर फॉर्म यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल फाइन इज इट क्लियर दिस इज अम्पेरिकल फार्मूला एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम उससे हम मॉलिकुलर फार्मूला निकालना भी सीखेंगे पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा देन वी विल कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल beta carbon is given to you a compound uh, which having carbon hydrogen and oxygen carbon hydrogen and oxygen and percentage are given to you percentage are given to you percentage are 20 20% 6.70 oxygen is 26.63 बच्चे सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या यहां पर टोटल हंड्रेड बन रहा है टोटल हंड्रेड नहीं है इट इज नॉट द टोटल फाइन तो अभी क्या इट कुछ कुछ मिसिंग मिसिंग है है इसमें से तो हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि अ कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज गिवन फाइन सो हम इसका एक्चुअल में टोटल क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा टोटल क्या होना चाहिए बच्चे 100% होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे देन वी विल गेट दी 46.67 46.67 एंड नाउ वी हैव टू राइट द एटॉमिक मासेस व्हाट इज द मास ऑफ द कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन इज 16 नाइट्रोजन इज 14 नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट Now we have to calculate the number of moles given mass divided by atomic mass 20 divided by 12, 6.70 divided by 1, 26.63 divided by 16, 46.67 divided by 14. On dividing, we will get 1.67, 6.7 6 .7, And 3.33, here it will become 1.66. First of all aapko dekhna ki ye whole number आपको देखना कि ये hai whole में है या नहीं है because hamara में नहीं hota hai the हमारा जो atom होता है दंबर ऑफ एटम शुड बी इन whole number ratio. फाइन तो होल नंबर रेशियो नहीं है हमें होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है सो so, हम इसमें स्मॉलेस्ट जो भी फ्रैक्शन होगा उससे डिवाइड करेंगे सबको सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है इससे सबको हमें डिवाइड करना है on dividing it will become approximately 1 and it will become approximately 4 here it will become 2 and here it will become 1 so what is the empirical formula now the empirical formula comes c1 h4 n1 o2 because it will form no2 fine this is a empirical formula this is a empirical formula let's take one more example in which we will calculate the molecular formula also. Yes, let us take one more example, it is given to you that sodium. सल्फर एंड हाइड्रोजन दिस इज गिवन टू यू इट विल बिकम परसेंटेज आर गिवन टू यू फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट सल्फर इज नाइन पॉइंट नाइन टू परसेंट हाइड्रोजन इज सिक्स पॉइंट टू जीरो परसेंट अभी फिर से चेक करिए बेटा कि हंड्रेड परसेंट हो रहा है नहीं हो रहा इट मीन समथिंग इज मिसिंग क्वेश्चन में ऑक्सीजन आर गिवन क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे सबको ऐड करेंगे हंड्रेड में से माइनस करेंगे माइनस करने पर वी विल गेट द सिक्सटी दिस इज गिवन परसेंटेज गिवन एंड एलिमेंट है नाउ मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास एटम्स हैं तो एटॉमिक मास होगा

जीरो सिक्स पॉइंट टू जीरो एंड हेयर वी विल गेट फोर पॉइंट थ्री फाइव फिर फ्रैक्शंस में आया वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द होल नंबर राइट सो सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं यही है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट से सब फ्रैक्शंस को क्या कर देते हैं डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट इट विल बिकम टू इट विल बिकम वन एंड हेयर इट बिकम्स ट्वेंटी अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी विल कम And here we will get the 14. So, what is the empirical formula? Empirical formula comes sodium 2, sulfur 1, hydrogen 20, and oxygen 40. This is our formula. Fine, this is our empirical formula. But in this, we also have to calculate the molecular formula. All the formula, molecular formula, can be calculated by using this formula. Fine. सो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई वट इज द एम्पेरिकल फार्मूला बेटा एन ए टू एस एच ट्वेंटी ओ फोर्टीन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी एन ना हाउ कैन वी कैलकुलेट दी एन वी कैन कैलकुलेट दी एन यूजिंग दिस फार्मूला देखिए बेटा इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास गिवन होगा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर बेटा एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला है उसका मास लेना है फॉर्मूला यही है बस अब फार्मास के साथ आ जाएंगे हम मॉलिकुलर फार्मूला का मास गिवन है बेटा आपको 322 ट्वेंटी टू एन मल्टीप्लाई और अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट करते हैं यहां देखिए बच्चे एन ए टू एस वन एच ट्वेंटी ओ फोर्टीन नाइट सोडियम है सोडियम का मास क्या होगा बेटा 23 थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस सल्फर का 32 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इट विल बिकम 16 इंटू फोर्टीन

चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन इज अ सर्टेन कंपाउंड कंटेन कंटेन carbon and hydrogen only certain compound contain carbon and hydrogen only has an approximately molecular weight molecular weight is given molecular mass is given to you it is 290 molecular mass is 290 and on analysis it is found on analysis it is found to contain exactly 50% 50% of its weight 50% of its weight of each element of each element each element now calculate the empirical formula as well as molecular formula let's start with the empirical formula beta

And what are the atomic mass beta? Carbon having 12 and hydrogen having 1. Carbon having 12 and hydrogen having 12. Now we have to calculate. Now we have to calculate the number of moles. It will become 50 divided by 12. It will become 50 divided by 1. On dividing, oxygen is there. Here the oxygen is there. So. ऑक्सीजन इज देयर तो इट विल विल बिकम 16 एंड इट बिकम 16 सो ऑन डिवाइडिंग 50 डिवाइडेड बाय 12 इट विल बिकम फोर 4.166 एंड 50 डिवाइडेड बाय 16 इट विल बिकम 3.125 तो बच्चे स्मॉलर क्या था स्मॉलर यही है हमारे पास ऑब्वियसली बात है वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द होल नंबर रेशियो इट इज इन द फ्रैक्शन सो डिडेड बाय द स्मॉलेस्ट इट विल बिकम वन एंड हेयर इट इज फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट वन टू फाइव ऑन डिवाइडिंग इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम्स वन पॉइंट थ्री थ्री दिस इज नंबर ऑफ मूल्स वी विल गेट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द सिंपल होल नंबर रेशियो सिम्पल होल नंबर रेशियो सो आप डिवाइड नहीं करेंगे मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे होल नंबर रेशियो if you are multiplying this by the uh, 2 it will become approximately 2.66 fine and it will become 2 now it's multiplied by the 3 multiply by the 3 it will become 3.9 so we can take it 4 and it will become 3 so uh, uh, your empirical formula will become c4o3 this is your empirical formula but in this they are asking for a molecular formula also नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला। टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चे मॉलिकुलर फार्मूला है मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला क्या बेटा सी फोर ओ थ्री बट एन क्या है एन को कैलकुलेट करते हैं बच्चे यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला का मास इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बच्चे मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास गिवन है आपको इट विल बी अ 290 यू 290 यू इक्वल टू एन एंड व्हाट इज द मास ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं सी फोर ओ थ्री ट्वेल्व फोर प्लस सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट इट विल बिकम 96 सिक्स इट विल बिकम नाइनटी सिक्स now divide 290 divided by 96 it will divide approximately on the 3.0 something so we will take 3 n is equal to 3 so molecular formula equal to 3 multiply c4o3 and molecular formula it will become c12o9 this is your molecular formula and this is your empirical formula fine let's discuss one more example uh, we will take the example of now vapor density. If vapor density is given and molecular mass is not given to you, so how can you calculate this uh, molecular formula and empirical formula? Let's take one example. First of all, you have to know that if molecular mass is not given, but vapor density is given so vapor density equal to molecular mass divided by 2 this is your formula vapor density equal to molecular mass divided by 2 so if vapor density is given then we can calculate the molecular mass let us start with this carbon hydrogen and nitrogen and oxygen it is given an element percentage of carbon is given it is 41.37 percentage hydrogen is 5.75 percent and nitrogen is 16.09 percent but percentage of hydrogen is not given and vapor density is given vapor density is given it will be a 43.3 it is given to us fine by using this we can calculate the molecular formula as well as we have to calculate the empirical formula first of all we have to calculate the empirical formula let's start with it given a and uh, atomic mass carbon having 12 hydrogen having 1 and nitrogen having 14 oxygen having 16 first of all we have to calculate the percentage of oxygen and it is a 41.37 plus 5.75 प्लस 16.09 एडिशन करेंगे इट विल बिकम 63.21 और उसको 100 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन इट विल बिकम 36.79 नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 41.37 डिवाइडेड बाय 12 5.75 डिवाइडेड बाय 1 16.09 डिवाइडेड बाय 14, 36.79 डिवाइडेड बाय 16.

अभी बेटा सबसे स्मॉलेस्ट देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट आपको पता चल रहा है कि 1.14 है इट विल बिकम 1 1.14 1.14 एंड 1.14 ऑन डिवाइडिंग 3.44 विद 1.14 इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 3 एंड 5.75 डिवाइडेड बाय 1.14 इट विल बिकम एप्रोक्सीमेटली 5 And here it will approximately come the 2. 2.29 divided by 1.14. It will become 2. So, your empirical formula comes C3H5NO2. This is your empirical formula. But we have to calculate the molecular formula. Molecular formula equal to N multiply empirical formula. Molecular formula equal to N multiply empirical formula is this is your empirical formula C3H5NO2. बट वी हैव टू कैलकुलेट द एन एन को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है विच इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला का मास हमें गिवन नहीं है बट वेपर डेंसिटी गिवन है फ्रॉम बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास वेपर डेंसिटी इज फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री एंड मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 43.3 multiplied by 2, it will become 86.6 u. And molecular mass will become 86.6 u n. And empirical formula ka mass. Let's calculate the form, uh, empirical formula mass. Carbon hai, 12 multiply 1 multiply 5 plus 14 plus 32 on adding it will become approximately 5 plus 14 plus 32 and 9 87 87 u so formula of empirical mass form, uh, mass of empirical formula is 87 it will cut approximately at 1 approximately at 1 so we will take the n1 in this empirical molecular formula will become equal to empirical formula so your molecular formula is c3h5no2 so by the by using these methods you can calculate the molecular formula empirical formula from the empirical formula you can easily calculate the molecular formula thank you bache bye bye